अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं सैयदा नाहिदा खादरी एनआरके 24 न्यूज़ से। जैसे कि आप लोग जानते हैं, कल 21 अक्टूबर के दिन महाराष्ट्र में इलेक्शंस होने वाले हैं और इसी बिना पर इस वक्त हम कर्नाटका बिदर डिस्ट्रिक्ट हुमनाबाद आए हैं, जहां पर आप देख सकते हैं हमारे सामने कई सारे MIM पार्टी के फॉलोअर्स यहाँ पर ठहरे हुए हैं और साथ ही में MIM पार्टी के लीडर भी हमारे साथ में मौजूद हैं। और इंशाल्लाह आप उनसे ये मालूम करेंगे कि ये अपनी तरफ से यहाँ के जितने भी लोग हैं, ये MIM पार्टी के लोग हैं, तो ये लोग महाराष्ट्र की आवाम को कल के इलेक्शन के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं, देखते हैं। आपका नाम? मेरा नाम शेख वादिद, हुमनाबाद से जी। आप MIM पे लीडर हैं? जी बिल्कुल, हुमनाबाद यूथ लीडर। अच्छा, तो आप जैसे कल इलेक्शन से महाराष्ट्र में, तो वहाँ की आवाम के लिए आप क्या मैसेज देंगे MIM पार्टी? मैं महाराष्ट्र की एक एक कीमती और अपने कायदीन, जो जितने भी कॉर्पोरेटर्स जो भी जो हमारे MLA जो ठहरे हुए हैं, उनके लिए एक एक वोट अपना कीमती जीत डाल के जिताइए। 44 जो ठहरे हुए हैं हमारे कैंडिडेट, उनके लिए हक में दुआ किए कि पूरे सारे कर्नाटक जहाँ जहाँ से भी हो सके उतना कोशिश करें कि हमारे MIM के पूरे कैंडिडेट को कामयाब करें। हमारी यही दुआ है, हुमनाबाद तालुका जो भी है, हर जगह से हम यही कहना चाहते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पूरे लीडर्स को कामयाब करें। आप कुछ बोलेंगे? सभी से गुजारिश है कि सभी लोग उनको MIM को वोट दीजिए और उनको जिताइए। आपका नाम? सैयद वसीम। आप कहाँ पर रहते हैं? हुमनाबाद तालुका हुमनाबाद बिदर डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका। मैं महाराष्ट्र के सभी आवाम से गुजारिश करता हूँ कि अपना कीमती वोट मजलिस में दीजिए। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, इस वक्त यहाँ पर हमारे साथ में कई सारे लोग जो हुमनाबाद से ताल्लुक़ रखते हैं, हुमनाबाद के रहने वाले लोग हैं, तो ये लोग भी महाराष्ट्र के आवाम से अपील कर रहे हैं कि वहाँ की महाराष्ट्र के आवाम जितना हो सके अपना कीमती वोट देकर MIM पार्टी को जिताएं। और जितने भी जगहों पर हम गए हैं, जैसे कि अब आगे भी हम कई जगहों पर जाने वाले हैं, मन्ना के लिए वगैरह भी और दूसरे गाँव में भी जाएंगे, वहाँ भी मालूम करेंगे, वहाँ के लोगों की भी हम राय लेंगे, उनसे भी मालूम करेंगे, वो भी अपनी तरफ से जो भी मैसेज देना चाहते हैं, देखते हैं वो क्या मैसेज देते हैं महाराष्ट्र के आवाम को। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, इस वक्त हम कर्नाटक बिदर डिस्ट्रिक्ट में मन्ना के लिए जो गांव है, वहां पर के कुछ लोग यहां पर ठहरे हुए हैं, जिनसे हम ये मालूम करेंगे, जैसा कि महाराष्ट्र में जो इलेक्शंस हो रहे हैं उस ताल्लुक से वहां की आवाम को, महाराष्ट्र की आवाम को मन्ना के लिए के लोग कुछ मैसेज देना चाहते हैं, तो आइए देखते हैं वो लोग क्या मैसेज देते हैं। आपका नाम? जी मेरा नाम शेख इमरान। कुछ आप मैसेज देना चाहेंगे महाराष्ट्र में जो इलेक्शन हो रहे हैं उस ताल्लुक से, जैसा कि वहाँ पर की आवाम जो है उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी कल महाराष्ट्र में 21 तारीख है, कल इलेक्शन है, सुबह 7 बजे निकलिए अपने घर से। तमाम महाराष्ट्र के आवाम से अपील है कि अपना एक एक कीमती वोट मंजिश के हक़ में कीजिए और मंजिश को मजबूत कीजिए और असद साहब के हाथ को मजबूत कीजिए। और क्या है इस हालात में, क्या ज़रूरी है MIM को कामयाब करना, तमाम क्या है अपने उम्मीदवारों को कामयाब कीजिए मंजिश के। बस इतना कहते हुए मैं अपनी बात क्या अपने साथी को बोलने देता हूँ। आपका नाम? मोहम्मद मुदस्सिर अहमद। आप कुछ कहना चाहेंगे वहाँ महाराष्ट्र में जो इलेक्शन हो रहे हैं उस ताल्लुक से वहाँ की आवाम को क्या मैसेज देंगे? मैं महाराष्ट्र की आवाम से यही एक अदबन गुजारिश करूंगा कि कल 21 अक्टूबर यानी बरोज़े पीर के दिन पोलिंग है महाराष्ट्र में। सभी आवाम से ये गुजारिश करूंगा कि MIM इलेक्शन जहां कहीं भी लड़ रही है, अच्छे से पोलिंग परसेंटेज बढ़ाकर अपना एक एक कीमती वोट MIM के हक़ में कीजिए, क्योंकि MIM वहां पर 44 सीट पर इलेक्शन लड़ रही है। और असद साहब, अकबर साहब के हाथ मजबूत कीजिए और स्टेट प्रेसिडेंट इम्तियाज़ जलील के हाथ मजबूत कीजिए। ये अकबर साहब, असद साहब की कामयाबी नहीं है, हम सब महाराष्ट्र की पब्लिक यानी जनता की कामयाबी है। इसमें अकबर साहब और इम्तियाज़ जलील, असद अवैसी साहब की भी कामयाबी नहीं है, हम सब की कामयाबी है, क्योंकि आज के माहौल के हिसाब से मुस्लिम और दलित के साथ जो अत्याचार हो रहा है, इस पर अगर कोई आवाज़ उठाती है, चाहे कहीं भी हो दे पार्लियामेंट में, तो असद साहब एक ही उठाते हैं जिसका नाम MIM पार्टी है। तो महाराष्ट्र के अवाम से यही गुजारिश करूंगा कि कल 21 अक्टूबर को अपना कीमती वोट MIM के हक़ में कीजिए, जहां कहीं से भी MIM लड़ रही है उनके हक़ में वोट कीजिए और अकबर साहब, असद साहब के हाथ को मजबूत कीजिए। 24 तारीख के दिन रिजल्ट आने वाला है, सिर्फ आसमान में पतंग ही पतंग रहना चाहिए। बस मैं इतना कहता हूँ अपनी जगह से। MIM जिंदाबाद, MIM जिंदाबाद, वोट फॉर MIM, वोट फॉर MIM। इसी के साथ मैं सैयदा नाहिदा खादरी कैमरामैन सैयद फैज के साथ इसी तरह मैं आपके सामने सच्चाई दिखाते रहूंगी। इंतजार करिए मेरे अगले न्यूज का। मेरे इस न्यूज के पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पे सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।